हमारे भारत देश में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 11/12/2023 संडे के दिन दिहाली में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, जिसकी नींव भी उन्होंने 2016 में रखी थी। करीबन 2870 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मोपा इंटरनेशनल हवाई अड्डे पे वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो एक इंटरनेशनल हवाई अड्डे पे होनी चाहिए। डेबोलिम हवाई अड्डे के बाद ये गोवा का दूसरा हवाई अड्डा है जो सुविधाओं की दृष्टि से डेबोलिम की तुलना में अत्याधुनिक है। डेबोलिम एयरपोर्ट की वर्तमान यात्री हैंडलिंग क्षमता प्रति वर्ष 85 लाख है, जबकि अब मोपा हवाई अड्डा शुरू होने से यात्रियों को संभालने की कुल क्षमता बढ़कर 1.30 करोड़ सालाना हो जाएगी। इसी तरह डेबोलिम एयरपोर्ट से 15 घरेलू और 6 अंतर्राष्ट्रीय सीधी उड़ान थी, जो अब मोपा एयरपोर्ट के शुरू होने से वृद्धि के परिणाम स्वरूप 35 घरेलू और 18 अंतर्राष्ट्रीय स्थानों के लिए सीधी उड़ान होगी। इसके अलावा डेबोलिम एयरपोर्ट पर नाइट पार्किंग और कार्गो टर्मिनल की सुविधा नहीं थी, जबकि मोपा एयरपोर्ट पर नाइट पार्किंग के साथों साथ 25,000 मेट्रिक टन क्षमता वाला एक कार्गो टर्मिनल भी है। मोपा हवाई अड्डा राजधानी पणजी से 35 किलोमीटर उत्तर में है, जो गोवा के परनाम तालुका में स्थित है। इस मोपा हवाई अड्डे पर सौर ऊर्जा संचालित ग्रीन बिल्डिंग, रेन वाटर सीवेज उपचार केंद्र, 3D मोनोलिथिक प्रीकास्ट बिल्डिंग, 5G IT इंफ्रास्ट्रक्चर और रनवे पर LED रोशनी सहित सुविधाओं सुसज्जित है।